दोस्तों, क्या आपने किसी ऐसे अम्ब्रेला के बारे में सुना है जिसकी कोई छत नहीं है, या फिर किसी ऐसे फल के बारे में सुना है जो एक चींटी के साइज का है, या फिर आपको ये पता है फार्मा कंपनीज जो टेबलेट बनाती हैं उनके बीच में ये लाइन क्यों दी जाती है? ऐसे ही रैंडम क्विक फैक्ट्स को जानिए आज के इस वीडियो में। एयर अम्ब्रेला एक ऐसा छाता है जिसकी कोई छत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको किसी भी तूफान में सूखा ही रखेगा। क्या आपको पता है अगर आप पेंसिल्वेनिया देश में हैं तो आप वहाँ बिना अपनी वाइफ के रिटन परमिशन के शराब नहीं खरीद सकते? क्या आपको पता है मच्छर अपनी बॉडी की गर्मी को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए जब ठंड स्टार्ट होती है तो वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं और फिर गर्मियों में ही दिखते हैं? दोस्तों, झारखंड के हजारीबाग स्थित गवर्नमेंट स्कूल में डेली एक बंदर क्लास अटेंड करने आता है और क्लास में बेंच पर बैठकर टीचर्स की बातों को सुनता है और फिर 10 बजे वापस चला जाता है। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे छोटा फल यूटिकल है, जिसका साइज एक चींटी के साइज जितना होता है? क्या आप जानते हैं ट्रेन का इंजन चालू करने में 25 लीटर डीजल खर्च हो जाता है, वहीं 1 किलोमीटर चलाने में लगभग 20 लीटर डीजल ही खर्च होता है? ऑन अप्रैल 18, 1930 बीबीसी ने अनाउंस किया कि उनके पास उस दिन कोई भी न्यूज़ नहीं है और उस दिन उन्होंने न्यूज़ की जगह पियानो म्यूजिक ही स्टार्ट कर दिया, जो काफ़ी अजीब है पर सच है। क्या आपको पता है एप्पल कंपनी इतनी अमीर है कि वो कोको कोला और डिज्नी दोनों को एक साथ खरीद सकती है, और वो भी कैश में? क्या आपको पता है मगरमच्छ कभी भी ओल्ड एज की वजह से नहीं मरते, क्योंकि वो बायोलॉजिकली ओल्ड नहीं होते, वो या तो फिर भूख से मरते हैं या फिर किसी बीमारी से। क्या आपको पता है एक टाइम पर सैमसंग कंपनी मछली भी बेचा करती थी? दोस्तों, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल ग्राफीन है। ये स्टील से 200 गुना मजबूत और कागज से 1000 गुना हल्का है। और क्या आपको ये पता है ग्राफीन की एक शीट को तोड़ने के लिए इतना फोर्स चाहिए जितना एक हाथी को एक पेंसिल के ऊपर खड़ा होने से बनेगा? क्या आपको पता है पृथ्वी पर दिन और रात को अलग करने वाली जो लाइन है उसको टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है? 1998 में सोनी ने गलती से एक नाइट विजन कैमकॉर्डर रिलीज हो गया था, जिसकी मदद से हम लोगों के कपड़ों के आर पार भी देख सकते थे। ये मुमकिन हो पाया था इंफिनिट टेक्नोलॉजी की मदद से। क्या आपको ये बात पता है आज तक किसी को पता ही नहीं है कि हमारे प्लेनेट अर्थ का नाम अर्थ किसने रखा? दोस्तों, आप जानते हैं टैबलेट्स के बीच में जो लाइन दी जाती है उसे डिवोर्स कहते हैं। वो असल में ज़्यादा पावर वाली टैबलेट्स में दी जाती है ताकि उन्हें बीच से तोड़कर खाया जा सके।